तो इसके लिए आपको सबसे पहले आपका फ़ोन में जो प्ले स्टोर है तो आपको प्ले स्टोर को ओपन करना है, और प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आपको प्रोफाइल आइकन पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पे सेटिंग्स पर आपको क्लिक करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस पे आपको जाना है, फिर आपको ऐप डाउनलोड परफॉर्मेंस पे जाना है, उसके बाद एक्समी एवरी टाइम इसको सिलेक्ट करना है, फिर ओके करना है, उसके बाद आपको ऑटो अपडेट ऐप्स पर जाना है, फिर आपको इसको डू नॉट अपडेट ऐप्स इसको सिलेक्ट करके रखना है, फिर आपको यहाँ पे ऑटो प्ले वीडियो पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे डू नॉट ऑटो प्ले वीडियो इसको आपको ओके करके रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जनरल पर आपको जाना है, और जनरल पर जाने के बाद आपको यहाँ पे जो ऑटोमेटिक एचीवेफ तो इसको आपको ऑन रखना है, उसके बाद आपको यहाँ पे गूगल प्ले इंस्टेंट इस पर आपको जाना है, और इस पर जाने के बाद आपको यहाँ से इसको ऑफ करके रखना है, फिर आपको यहां से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपका फ़ोन में आपको सेटिंग पर जाना है, और सेटिंग पर जाने के बाद आपको यहां पे सिम कार्ड एंड मोबाइल नेटवर्क पर जाना है, उसके बाद आपको सिम को सिलेक्ट करना है, फिर आपको यहां पे एक्सेस पॉइंट पर नेम पर जाना है, उसके बाद आपको इसको रिसेट करना है, फिर आपको यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको यहाँ पे यूज़ फोल्ड इसको आपको ऑफ करना है, फिर से इसको ऑन करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे परफेक्ट नेटवर्क टाइप पर जाना है, और आपको यहाँ पे LTE को सिलेक्ट करके रखना है, फिर आपको यहाँ से बैक आना है, तो आपको एप्लीकेशन को लॉन्ग टाइम प्रेस करना है, उसके बाद आपको ऐप इन्फो पर जाना है, और आपको ऐप इन्फो पर जाने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट स्टॉप पर क्लिक करके आपको इसको ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको क्लियर डाटा पर क्लिक करना है, फिर आपको क्लियर ऑल डाटा इसको ओके करना है, फिर ओके करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे ऐप परमिशन में जाना है, और अगर आपको कोई परमिशन आएगा तो आपको उसको परमिशन देना है, फिर आपको यहाँ से बैक आना है, फिर आपको अदर्स परमिशन में जाना है, और आपको यहाँ पे शो ऑन लॉक स्क्रीन तक इसको आपको क्लिक करके आपको ऑल वे अलाउ करना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन पर जाना है, उसके बाद आपको यहाँ पे अलाउ साउंड इसको आपको ऑन करके रखना है, और ये प्रोसेस करने के बाद आपको यहाँ पे आपका फ़ोन में आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद आपको प्ले स्टोर में जाना है, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको यहाँ पे एप्लीकेशन को सर्च करना है, और एप्लीकेशन को सर्च करने के बाद अगर आपको यहाँ पे अपडेट्स होगा तो आपको इसको अपडेट करना है, और अपडेट करने के बाद आपका जो भी प्रॉब्लम है वो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। थैंक यू।